रवे दिवाली के लिए शंकर पारे। इसे बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं जल्दी से। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कीजिए और पास ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो, मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो और ऐसी ही प्यारी प्यारी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 500 ग्राम, चीनी, चीनी मैंने पीस ली है, पीसी हुई चीनी हमें चाहिए 200 ग्राम, बारीक रवा या तो सेमोलिना आप जिस भी नाम से इसे पहचानते हैं वो लिया है मैंने 125 ग्राम, और यहाँ पर मैं देसी घी उसका भी 125 ग्राम, और दूध हमें चाहिए। आप अगर चाहे तो दूध में भी गूंद सकते हैं या तो फिर पानी से भी इसे गूंद सकते हैं। तो यहाँ पे आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है और सोडा हमें चाहिए 2 पिंच। तो देखिए हमने अपनी सारी की सारी सामग्री देख ली है, अब जल्दी से चलते हैं हमारे शंकर पारे बनाने की तरफ। तो शंकर पारे का आटा गूंदने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें मैदा डाल दूंगी। हमने जो 500 ग्राम मैदा लिया था वो डाल देंगे, इसमें चीनी डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे वेवा या तो सेमोलिना। तो ये मैंने सूजी डाल दी है, 2 पिंच खाने का सोडा, देखिए मैंने यहाँ पे ये सब डाल दिया है। अब इसे हमें मिक्स करना है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो सोडा है वो सब आटों में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये सारा घी डाल देंगे इसमें और इसे हमें हाथों से अच्छे से ये आटे में सारा जो घी लग जाए ऐसे ऐसे, देखिए इसी तरह से हमें सारा जो घी है वो आटे में लगा लेना है। इस तरह से सब आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हमें इसका आटा लगाना होगा। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैं इसमें दूध डाल दूंगी। एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि हमें दूध एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे आटा लगा लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया आप अगर चाहे तो दूध में भी आटा लगा सकते हैं या तो फिर इसे पानी से भी लगा सकते हैं। जैसी जैसी हमारे आटे में जरूरत पड़ती जाएगी वैसा वैसा हमें इसमें दूध या पानी डालते जाना है। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आटा अच्छे से लगा लिया है, उसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से मालिश कर ली है। ये प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, अब हम इसके शंकर पारे बनाने के लिए इसे बेल लेंगे। तो चलिए चलते। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आटे की लोई तोड़ लेंगे। देखिए ये मैंने इतनी लोई तोड़ ली है, अब इसको हमें अच्छे से घुमाते हुए इसकी लोई बना लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी लोई बना ली है, इसी तरह से हम बाकी के आटे की भी लोई बना लेंगे। तो मैंने लोइयां बना ली है सभी, अब इसे साइड में रख देंगे और एक प्लेट में सूखा आटा ले लेंगे ताकि हम जो शंकर पाले के लिए रोटी बेलेंगे वो नीचे चिटके, और इसे सूखे आटे में इसे लगा लेंगे। देखिए ये मैंने इस पर आटा लगा लिया है, अब इसे बेल देंगे। यहाँ पे मैंने इसकी रोटी बेल ली है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमें इतना मोटा रखना है, हम जितनी चपाती के लिए रोटी बेलते हैं उससे हम इसे 2 गुना ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो ये हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे काट लेंगे। काटने के लिए शंकर पाले बनाने के लिए इस तरह से डिज़ाइन वाले चम्मच मिल जाते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे छुरी से या नाइफ से भी काट सकते हैं। तो इसे काट लेंगे, आप इसे अपने मनचाहे शेप में छोटा बड़ा आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने काट लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इसका डायमंड शेप बन गया है और ये इतना मोटा है, तब इसे निकाल लेंगे और इसे तल लेंगे। तो देखिए जब तक कि ये हो रहा था मैंने तेल पहले ही गर्म के लिए रख दिया था, देखते हैं हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, इसे निकाल लेंगे और अब हम इसमें शंकर पारे तलने के लिए डाल देंगे। ये शंकर पारे इसमें डाल देंगे जो हमने पहले ही काट के रखे थे। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, इसे एक साथ डालने के बाद भी ये एक दूसरे से चिपकते नहीं है, ये अपने आप छूट जाते हैं। तो ये मैंने इसे डाल दिया है, अब हम इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक के इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लें। और इसी तरह से हम अपने जो बाकी के शंकर पारे हैं उसे भी तल लेंगे। देखिए मैंने सारे के सारे शंकर पारे अच्छे से तल के और निकाल लिए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया और ये कितने परफेक्टली कुक हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये कितने खुसखुसे बने हैं, और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये और ज़्यादा अच्छे क्रंची होते जाएंगे। तो हमारे शंकर पारे तैयार है, अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे शंकर पारे बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो आज के ये हमारी बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है।
आज जो शंकर पारे बनाए गए हैं वो किसी के रिक्वेस्ट पर बनाए गए हैं, तो ये आज की हमारी डिश इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप शंकर पारे बना के देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।